पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर इसी को एनालिटिकल मेथड बोलते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होने वाली है। खैर तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, है ना बच्चों? तो आप भी स्टेटमेंट लिखिए साथ में कॉपी में, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इसमें कहा गया है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम in magnitude and direction both, then the diagonal then the diagonal of this parallelogram this parallelogram diagonal of this parallelogram passing through their point of intersection represents resultant of the two vectors in magnitude and direction. अब ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं जल्दी से, है ना बच्चों? तो देखो सबसे पहली बात तो आपको जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है इस तरीके से, इसको हमने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, और इस तरीके से आपका एक बी वेक्टर है, और मान लो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। अब इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है तो हमें क्या चाहिए बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और फिर से वही बात है कि दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी मिल रही, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। अब वो कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर लो। देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया बच्चों, ए वेक्टर, है ना? फिर ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के टेल को, है ना, ट्राइंगल लॉ में हेड से टेल को मिलाते थे, लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों को टेल से टेल मिला। तो देखो इसको ऐसे ट्रांसलेट किया और बी का टेल किसके ऊपर रख दिया, ए के टेल के ऊपर। तो देखो ये बी वेक्टर आपका ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है बच्चों ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब क्या हो, क्या करोगे कि ए के पैरेलल लाइन खींचो। तो देखो ये डॉटेड लाइन ए के पैरेलल खींच दिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल और ए तो हॉरिजॉन्टल में था ना, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा हो गया, और मैंने बी के पैरेलल लाइन खींचा ये। तो देखो ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। आप ए के पैरेलल लाइन खींचे, बी के पैरेलल लाइन खींचे, तो आपको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम मिलता हुआ नजर आएगा। तो अब उसने क्या बोला है कि जब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए तो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यानी कि अब ये जो दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, जो पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है उसकी एडजेसेंट साइड आपके दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी और एरो इनकी डायरेक्शन बताएगी। तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं एडजेसेंट साइड से। तो फिर क्या बोला गया कि इसके जो डायगोनल होगा, देन द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो वाला डायगोनल होगा जो दोनों वेक्टर से आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। देखो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है, एक ऐसा भी डायगोनल होगा ये दो कॉर्नर्स को जोड़ोगे आप, लेकिन हमें कौन सा डायगोनल लेना है, इंटरसेक्शन से जो पास हो, इंटरसेक्शन से, तो ये वाला डायगोनल है जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास होता है ये। तो ये जो हमारा तीसरा ये डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगा, और ये जो एरो की डायरेक्शन है डायगोनल की है ना अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये आपको क्या देगा बच्चों, उसका डायरेक्शन दे देगा। तो जो आपका डायगोनल है जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है वो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देगा। अच्छा डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एंगल से डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बी को, बी का डायरेक्शन एंगल से बताया ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, या फिर ए वेक्टर से बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो ए वेक्टर से ये कितना इंक्लाइंड है आपका, ये जो क्या है बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर है ये ए वाले वेक्टर से कितना इंक्लाइंड है उसको बोल देते हैं अल्फा। अल्फा तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो इंक्लिनेशन है ए से अल्फा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों डायरेक्शन। अगर हम अल्फा निकालेंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगी, और अगर हम इस डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे निकालना है बच्चों, है ना। तो देखिए बच्चों अब हम उनको रिजल्टेंट और डायरेक्शन अल्फा कैलकुलेट करना है। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब हमें रिजल्टेंट की दो चीजें निकालना है, डायरेक्शन हमें अल्फा से मिल जाएगा। अभी तो हमारा काम है पहला कि हम क्या निकालें बच्चों, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे ना लिख के सिंपली आर लिख रहा हूँ, ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नीट्यूड, है ना। अब ये कैसे निकालेंगे देखो, अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, जो आपका ए वेक्टर है बच्चों इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ये ए वेक्टर को मैंने ऐसे डॉटेड लाइन से ब्लू कलर की एक्सटेंड कर लिया, और जो आपका ये वाला पॉइंट था जहां पे पैरेललोग्राम एंड हो रहा था, यहां से मैं ए की जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इसको कुछ नाम भी दे दो आप, ये ऐसा या तो इस पॉइंट को पी दे दो, इसको क्यू दे दो, इसको आर दे दो, इसको एस दे दो, इसको टी दे देते हैं, है ना। इस टाइप से हम नेमिंग कर दिया इसका, पी क्यू आर एस एंड टी। अब ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो पी आर टी, पी आर टी आपको दिखाई दे रहा है, ये तो 90 डिग्री है। तो ये जो पी आर टी है ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देखो ये वाली जो डॉटेड लाइन है ब्लैक कलर की, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि ये तो बी के पैरेलल है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी होगा। और देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये ए की लाइन पर ही दोनों लाइन पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा। आई होप आपको क्लियर है। तो ध्यान से देखो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, आपको हाइपोटेनस पता है, अगर आप कौन सा ट्राइंगल देखें बच्चों, आर टी एस या एस आर टी, ये वाला ट्राइंगल देखो आप, तो इसमें आप आर टी और एस टी निकाल सकते हो, तो हम सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं इन ट्राइंगल एस आर टी, तो ये ट्राइंगल देखो आप एस आर टी, तो यहां से अगर आप क्या लगाएंगे बच्चों, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस एस टी है अपॉन हाइपोटेनस कितना है बच्चों, बी, बी एस आर, एस आर की वैल्यू लेकिन बी है क्योंकि पैरेलल टू बी वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो बी हुआ इस लेंथ का। अब ध्यान से देखो तो यहां से एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एस टी की वैल्यू आ जाएगी बी कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आपको मिल गई कितनी, बी कॉस थीटा। उसके बाद फिर आप इसी ट्राइंगल में एस आर टी में साइन थीटा अप्लाई करो, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज आर टी अपॉन हाइपोटेनस तो बी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आर टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको बी साइन थीटा, यानी कि ये वाली साइड भी आपको मिल गई बच्चों, बी साइन थीटा। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये आप पी आर टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ है, मतलब इस डायगोनल की लेंथ है, वो हाइपोटेनिस है, तो हाइपोटेनिस निकालना है, तो पाइथागोरस निकाल लो,
आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, कितना बच्चों, कौन सा ट्राइंगल, पी आर टी। पी आर टी में देखो आपका ऐसे लिख सकते हैं हम पी आर स्क्वायर, जो कि डायगोनल है, जो हमारा रिजल्टेंट है, इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, मतलब पी टी स्क्वायर। और पी टी को आप देखो, पी टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो पी एस प्लस एस टी स्क्वायर, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी एस प्लस एस टी स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा ना। पी टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, पी एस प्लस एस टी, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। तो ये पी आर तो बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, आर स्क्वायर लिख लेते हैं। आर टी स्क्वायर, तो आर टी की वैल्यू अभी आपने बताई क्या थी, बी साइन थीटा, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फिर प्लस पी एस, पी एस तो बच्चों ये जो पी एस है ये ए के बराबर है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पी एस इज द ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ, तो ये ए प्लस एस टी, एस टी देखो बच्चों बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये आ गया। तो यहाँ से आर वेक्टर, आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो, बी स्क्वायर वाले टर्म्स को कॉमन ले लो, तो पहले मैं ए स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म कॉन्स्टेंट कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर वाले से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना बच्चों। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो तो वन होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आर वेक्टर आपका कितना बचा बच्चों, ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और इस पूरे का रूट, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो आपके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, है ना, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। और याद रखिएगा थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एंगल निकालना मैंने आपको पहले ही सिखाया है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, तो हमारा एक काम तो हो गया बच्चों। अब हमने दूसरा काम करना है कि हमें डायरेक्शन निकालनी है, मतलब एल्फा की वैल्यू चाहिए, ये जो ए से हमने डायरेक्शन ली है एल्फा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये भी इसी ट्राइंगल से निकल आएगा, पी आर टी, देखो इसी ट्राइंगल को देखो पी आर टी, तो पी आर टी में आप टेन एल्फा कितना लिख सकते हो बच्चों, टेन एल्फा, तो ट्राइंगल पी आर टी में टेन एल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आर टी, है ना, परपेंडिकुलर है आर टी डिवाइड बाई बेस कितना है बच्चों, तो बेस है पी टी, लेकिन पी टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एस प्लस एस टी, तो पी एस का मैग्नीट्यूड ए है, मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख देता हूँ पी एस प्लस एस टी। तो यहाँ से फिर अपन सारी वैल्यूज पुट करें तो टेन एल्फा आ जाएगा, तो आर टी की वैल्यू थी बी साइन थीटा डिवाइड बाई पी एस की वैल्यू ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है और एस टी है बी कॉस थीटा, तो टेन एल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर आप चाहें तो एल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे लिखने के लिए देख लो किताबों में लिखा रहता है, बाकी अपन को जरूरत नहीं है, हम तो टेन एल्फा की जो भी वैल्यू आएगी फिर हम एल्फा निकाल लेंगे वहां से, है ना। तो टेन एल्फा आप याद रखें बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखो बच्चों ये हमारा सेकंड जो डायरेक्शन निकालना था रिजल्टेंट वेक्टर का एल्फा, ये डायरेक्शन कहाँ से लिया गया है, तो ए वेक्टर से लिया गया है, तो ए वेक्टर से डायरेक्शन होती है टेन इनवर्स बी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी और ये समझ में आया होगा कि पैरेललोग्राम लॉ से हमने कैसे मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकाला और डायरेक्शन निकाली। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा और उससे कैसे निकाला जाता है वो हमने पढ़ा, तो हमने देखो क्या किया, एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये आपका ए वेक्टर था बच्चों, ये आपका बी वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ था, तो आपने क्या किया, पहले ए के पैरेलल लाइन खींची, फिर बी के पैरेलल लाइन खींची,
और एक पैरेललोग्राम तैयार कर लिया। तो इस पैरेललोग्राम से, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड हैं, वो आपके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल, इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ये इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो गया, और ए वेक्टर से जो हमने एंगल निकाला अल्फा, वो हमारा अल्फा हो गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। अब देखो यहां पर अगर देखें हम, तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और आपने टेन अल्फा भी निकाला, अल्फा की वैल्यू भी निकाली, कितना बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता ना कि जैसे हमें जब दिया जाएगा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि ए और बी के टर्म्स में ही देगा आपको। दो वेक्टर, एक वेक्टर ए ही बोलेगा और दूसरा वेक्टर आपको बी बोलेगा। कोई फोर्सेस हो सकते हैं F1, F2, वेलोसिटीज हो सकती हैं V1, V2। तो उस समय फिर इस रूल को कैसे निकालोगे, फिर अल्फा क्या है वो कैसे आप समझोगे। तो हमेशा याद रखना, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे इस तरीके से दो वेक्टर्स को ऐड करना पड़ गया। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है, इसको हम F1 फोर्स बोल देते हैं, और ये आपका वेक्टर है एक, ये आपका F2 वेक्टर है, मतलब F2 फोर्स है। तो ये दोनों F1 F2 आपके क्या हो गए बच्चों, वेक्टर हो गए। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है इनका, ऐसा बोला गया, मतलब नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा ना बच्चों। तो वेक्टर एडिशन के लिए आपने ये पैरेललोग्राम लॉ तो लगा लिया ये, लेकिन अब कैसे निकालोगे जो नेट फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो याद रखिएगा, एक ही जगह आपको वो वाला वेक्टर लेना है जिससे आप एंगल निकाल रहे हो। जैसे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर दिया है, तो हमने अल्फा लिखा, तो अल्फा वो वाला एंगल है। अल्फा किससे है, आपने ये अल्फा एंगल किससे माना है, F1 से। तो जिससे आप अल्फा मानोगे उसको आपको ए वेक्टर की तरह लेना है, यानी F1 वेक्टर ए की जगह आएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसको आपको बी वेक्टर लेना है। देखो यही तो है, उसको आपको बी वेक्टर लेना है। तो यहां पर आप F2 को बी लेना। तो फिर F नेट का जो आप नेट फोर्स लिखोगे, मैग्नीट्यूड, वो आप लिखोगे कितना बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं मैग्नीट्यूड लिखने में। ये तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस 2F2 इंटू कॉस थीटा। लेकिन जब आप टेन अल्फा लिखते हो ना, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ए और बी की सही पोजीशन आनी चाहिए, तभी आपका एंगल सही आएगा, नहीं तो आप एंगल में गलती कर जाओगे निकालने में। तो अल्फा आपने किससे माना, F1 से, इसलिए F1 को ए मानो। और F2 किसको माना है भाई, आपने जिसके साथ एंगल अल्फा आपने नहीं दिया है, तो उसको बी वेक्टर मानो। तो आपका ये जो आएगा, तो बी वेक्टर, बी वेक्टर की जगह कौन है बच्चों, F2। तो F2 साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, मतलब ए की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे, F1, है ना। तो F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान देना जब आप अल्फा निकाल रहे होंगे। अब ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि कोई बच्चा एंगल F1 से ही ले, वो तो कहीं से भी एंगल ले सकता है ना भाई। वो हो सकता है कि ऐसा मान ले कि आपका बीटा एंगल मान ले। तो जब बीटा एंगल निकालना है, तो रिजल्टेंट तो यही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो यही रहना है। लेकिन जब आप एंगल लिखेंगे, तो अब आप टेन बीटा लिखेंगे, तो अब ए किसको मानोगे आप। अगर किसी बच्चे ने F2 से एंगल नापा है, F2 से डायरेक्शन नाप रहा है, तो F2 वाला अब उसका ए वेक्टर की जगह आएगा, और F1 वाला आपका बी वेक्टर की जगह आएगा। ये बात समझे आप, जिससे आप एंगल ले रहे हैं उसको ए वेक्टर की जगह लेना है, और दूसरा वाला जो वेक्टर बचा है उसको बी वेक्टर मानना है। तो जब आप टेन बीटा के लिए निकालेंगे बीटा की वैल्यू, तो फिर आपको यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा। अब बी आपने किसको माना, F1 को, तो बी साइन थीटा, तो बी है F1 साइन थीटा अपॉन F2 ए है प्लस F1 कॉस थीटा, है ना। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि F1 मतलब ए और बी मुझे किसको मानना है। जिससे आप डायरेक्शन लेते हो उसको हमेशा ए मानना है, और दूसरा वाला जो वेक्टर है उसको आप बी मानोगे। तो बच्चों इस बात को अच्छे से याद रखना, और इस चीज को ऐसे ही अप्लाई करना, नहीं तो आप हमेशा एंगल में, एंगल निकालने में, एंगल का डायरेक्शन निकालने में गड़बड़ कर दोगे आप, है ना। तो
तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने फॉर्मूला देख लिया एंगल को निकालने का भी और मैग्नीट्यूड को भी निकालने का। अब इनके कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने चाहिए ताकि न्यूमेरिकल आप जल्द से जल्द सॉल्व करें, है ना। तो अगर आपको ये रिजल्ट्स याद है तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सम स्पेशल केसेस। अब ये केसेस क्या है देखिए। तो केस नंबर वन, सबसे पहला केस कि अब देखो बच्चों, ये रिजल्टेंट क्या होगा दो वेक्टर्स का, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि एंगल कितना है, थीटा कितना है इन दोनों के बीच का। क्योंकि भाई इसमें अगर आपके दो वेक्टर्स फिक्स हो गए तो उनके मैग्नीट्यूड तो फिक्स हो गए, तो ए स्क्वायर चेंज नहीं होने वाला है, बी स्क्वायर चेंज नहीं होने वाला, 2ab चेंज नहीं होने वाला। तो फिर चेंज क्या हो सकता है, चेंज आपका एंगल हो सकता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है ना बच्चों, 0 डिग्री हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 150 हो सकता है। तो फिर उसको अलग अलग एंगल्स में आप ऐड करोगे तो अलग अलग रिजल्टेंट आता है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमें देखना है कि कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में, उन पे रिजल्ट अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया ना तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो। अब 0 एंगल होने का मतलब क्या है बच्चों, कि आपका ए वेक्टर भी ऐसा हो और बी वेक्टर भी ऐसा हो, दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए ना, या दोनों पैरेलल टू ईच अदर। तो आप क्या बोलोगे भाई, दो वेक्टर्स आपके कैसे हैं, 0 एंगल पे हैं, अगर वो पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, सेम लाइन पर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर थीटा 0 है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था कि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, +1 होती है। आपको रेंज याद होगी, कॉस थीटा की रेंज आपको याद होगी, मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब आप खुद सोचो कि यहां पर अगर आपके दो वेक्टर्स फिक्स हैं, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, तो चेंज कौन होगा सब सब सबसे ज्यादा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की अगर वैल्यू मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट की वैल्यू भी मिनिमम होगी, मतलब उससे छोटा रिजल्टेंट आपको दो वेक्टर्स का नहीं मिल सकता। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, मतलब उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर उससे ज्यादा रिजल्टेंट आपको कभी नहीं मिल सकता, है ना। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब देखो ये कॉस थीटा आपका मैक्सिमम कितना होता है, कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 तो 0 पे होता है, तो यहाँ पे हम 0 की तो बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपका कॉस थीटा या कॉस 0 आपका 1 मिलेगा, विच इज मैक्सिमम। तो ये आपकी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 0 एंगल पर आपको जो रिजल्टेंट की वैल्यू मिलनी है बच्चों, वो मैक्सिमम मिलनी है, मैक्सिमम। तो आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना मिल सकता है जब आप दो वेक्टर को जोड़ेंगे, तो आर मैक्स। तो देखो इसमें इसमें आप कॉस 0 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट जाएगा स्क्वायर से, मतलब ये ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो बच्चों ये स्क्वायर और ये पावर हाफ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपका मैक्सिमम रिजल्टेंट जो दो वेक्टर का मिल सकता है वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो आपका जो दो वेक्टर्स है वो देखो बच्चों आपके डायरेक्टली ऐड हो गए, डायरेक्टली आपको कोई भी, अब ये एडिशन तो आप जानते हो ना, स्केलर को आप ऐसे ही तो ऐड करते हो। जैसे मैं यहां पे बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका 3 वेक्टर है, एक है ना, 3 यूनिट्स का एक वेक्टर है, और थीटा 0 रखते हुए एक 4 यूनिट्स का वेक्टर है, इन दोनों का एडिशन चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो आपने इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बोला, 3 प्लस 4 कर दो भाई, तो 7। ये तो वैसे ही जुड़ा है जैसे स्केलर जुड़ते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वेक्टर स्केलर की तरह नहीं जुड़ते हैं, वेक्टर स्केलर की तरह जुड़ते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल केस में जुड़ते हैं जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि वेक्टर्स को स्केलर की तरह जोड़ा जा सकता है व्हेनेवर देयर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0।
जब उनके बीच में एंगल जीरो, मतलब सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं ना। तो ये वाला पॉइंट हम चाहें तो यहाँ पे लिख लिख भी सकते हैं, वेक्टर्स वेक्टर्स कैन बी एडेड, कैन बी एडेड, कैन बी एडेड लाइक स्केलर क्वांटिटी, कैन बी एडेड लाइक स्केलर्स, ऐसा लिख लो, इफ दियर डायरेक्शन, इफ दियर डायरेक्शन इज सेम, डायरेक्शन इज सेम, दैट इज एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, है ना बच्चों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर्स को ऐड करने पे कितना मिल सकता है, जब उनके बीच का एंगल जीरो होता है, दैट इज ए प्लस बी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट केस पर, है ना। अच्छा यहाँ पे बच्चों देखो, आप अल्फा भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे साइन जीरो रखोगे ना, साइन जीरो, तो न्यूमरेटर ही जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, तो न्यूमरेटर आपका जीरो, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो अल्फा की वैल्यू भी जीरो। टेन जीरो जीरो होता है, टेन थीटा जीरो होता है तो थीटा भी जीरो होता है, मतलब अल्फा भी जीरो होगा। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि अल्फा इज ऑल्सो जीरो, मतलब दो वेक्टर्स को आप जैसे ऐड कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी सीधा ऐड होता और नेगेटिव डायरेक्शन में होता। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं जब हम, तो सेकंड केस करते हैं बच्चों। अब सेकंड केस में मान लीजिए थीटा जो है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब अब आपके वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, थीटा 180, मतलब क्या होगा कि ये आपका ए वेक्टर है इस तरीके से, और ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है, तभी तो 180 हुआ। अब बी को आप इसके टेल से जोड़ो, टेल से टेल, तो 180 डिग्री आ जाएगा दोनों के बीच का एंगल, है ना। तो इस समय पे क्या होगा, तो आप देखो थीटा इक्वल टू 180 जब होता है ना, तो थीटा 180 पर कॉस 180 आपका माइनस वन होता है बच्चों। माइनस वन मतलब ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, मिनिमम, है ना, मिनिमम वैल्यू पर होगा। तो अगर आपका कॉस 180, कॉस थीटा मिनिमम वैल्यू पर है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट भी होगा बच्चों वो मिनिमम मिलेगा आपको, मिनिमम रिजल्टेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स। और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है बच्चों, देखो तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, cos 180 लेकिन माइनस वन है, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस 2ab। तो बच्चों अब इसका क्या आंसर होगा, आप देखो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको तो आप कुछ भी लिख सकते हो भाई। आपका ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इसको तो बच्चों आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे भाई दोनों लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपांड करो तो यही आएगा, और बी माइनस ए के होल स्क्वायर को एक्सपांड करो तो भी यही आएगा। तो इसमें तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इन दोनों में कोई भी आप वैल्यू रखोगे तो रूट स्क्वायर हट जाएगा रूट से, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू या तो आपकी ए माइनस बी है और या तो बी माइनस ए है। अब इसमें कौन सा वाला यूज करेंगे, ए माइनस बी की बी माइनस ए, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका लार्जर वेक्टर है उससे हमेशा स्मॉलर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, और उसी की डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, है ना। तो आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर होगा। तो हमेशा क्या करना है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, तो मिनिमम जो वैल्यू मिली वो ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, तो आपको सब्सट्रैक्ट कैसे करना है हमेशा, मतलब आपका 180 डिग्री में दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन होता है, तो हमेशा लार्जर मैग्नीट्यूड का वेक्टर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर करना, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा आप लार्जर मैग्नीट्यूड में रखना। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको अगर जिस इसमें कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे आपका ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो यहाँ पे कौन स्मॉलर है बच्चों, बी वेक्टर, तो इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो अपोजिट डायरेक्शन में ना,
लेकिन लार्जर माइनस स्मॉलर करना, तो इस केस में आप जो रिजल्टेंट यूज करोगे वो ए माइनस बी करोगे, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है वो हमेशा लार्जर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, तो ए के डायरेक्शन में ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, है ना। और अगर अगर ऐसा हो, अगर इस तरीके से आपको दिया हो कि आपका ये ए वेक्टर छोटा है और ये आपका बी वेक्टर बड़ा है जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर रिजल्टेंट को आपको बी माइनस ए लिखना चाहिए, लार्जर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर। और जो आपकी डायरेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, जो आर वेक्टर होगा वो लार्जर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, तो इस तरीके से होगा, है ना। तो आपको ये बात भी क्लियर होगी, तो ध्यान से रखना। तो मिनिमम वेक्टर ये होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमें समझ में आता है कि अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन है 180 में, तो ये डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे स्केलर सब्सट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो दो वेक्टर्स सब्सट्रैक्ट कब होते हैं? स्केलर के जैसे। तो वो सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं स्केलर के जैसे अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट टू ईच अदर मतलब एंगल बिटवीन देम इज 180। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो यहां पर आपका क्या हो गया बच्चों? 0 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, दो स्पेशल केस हो गए। अब हम तीसरे स्पेशल केस की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम केस नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड, तो यहाँ पे केस नंबर थर्ड आप थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मान लो। तो थीटा अगर आप 90 डिग्री लोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका ए वेक्टर कुछ इस तरीके से है और बी वेक्टर आपका कुछ इस तरीके से, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। अब 90 डिग्री का जो आपका रिजल्टेंट होगा बच्चों, वो रिजल्टेंट क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। तो इसका जो रिजल्टेंट है ये ऐसे, और ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये आपका अल्फा। तो ये हो गया आपका कितना बच्चों? कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हो, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 पुट कर दो तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया रिजल्टेंट का 90 डिग्री पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप अल्फा निकालेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, ये बहुत यूज होने वाला है ना। 90 डिग्री पे ही ज्यादातर वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, मैक्सिमम जगहों पर, है ना। तो वहां पर आपको ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पर हैं कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और टेन एल्फा भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो टेन एल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? बी साइन थीटा। तो बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। तो बी 90 साइन 90 तो 1, तो ये ऊपर बी बचेगा, और कॉस 90 0, तो ये बी वाला टर्म चला जाएगा, तो बी अपॉन ए बचेगा। तो आप डायरेक्टली टेन एल्फा याद रखें 90 डिग्री के केस के लिए बी अपॉन ए, और डायरेक्टली रिजल्टेंट की वैल्यू याद रखें 90 डिग्री के लिए कितना? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। तो ये केस नंबर थर्ड। उसके बाद केस नंबर फोर्थ, ये आपकी कैलकुलेशन बहुत हद तक रिड्यूस करेगा काफी क्वेश्चंस में, जब आगे आप आगे जाएंगे, है ना। और खास करके ये केसेस बहुत काम आते हैं जब आप 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब तो ये ऐसा मान लो कि अगर आपको ये केसेस नहीं पता है तो आपके लिए सवाल बहुत लंबे लंबे होना है, और अगर आपको केसेस पता है तो बहुत जल्दी जल्दी आप क्विकली, बहुत क्विकली आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है केस फोर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सेम कर रहे हैं। अगर किसी भी एंगल थीटा पे जोड़ना है और दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो फिर क्या होगा? फिर हम सोचते हैं। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि आपका अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये भी आपका ए वेक्टर हो गया और ये भी आपका ए वेक्टर हो गया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, बट उनको जोड़ना है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसके लिए अल्फा क्या होगा, ये हमें निकालना है ना बच्चों। तो जल्दी से हम निकालते हैं इसको। अब दोनों वेक्टर इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा बी की जगह भी ए ही लिख सकते हो तो ए स्क्वायर लिख लो, प्लस 2a into b, तो ए इंटू ए लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। मैंने बी की जगह भी ए ले लिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो यहां से रिजल्टेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर है ही, तो 2a स्क्वायर
और यहां से मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 2a² + 2a² इसको एक काम करते हैं, अभी फिलहाल r² लिख लेते हैं, बार बार रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2a² कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 + cos θ, 1 + बच्चों cos θ। अब अगर आपको याद है तो 1 + जो cos θ है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों, 1 + cos θ जो है उसका एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है आप लोग बताएं, cos² के टर्म्स में है ना। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, cos²θ = 1 + cos2θ / 2 अगर आपको याद हो। या फिर हम लोग यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2θ है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ डबल एंगल है तो यहाँ हाफ एंगल है, और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 cos² अगर यहाँ हाफ एंगल करूंगा तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो इसको मैं θ/2 लिख लेता हूँ, 2 cos²θ/2 = 1 + cos, तो θ/2 का डबल एंगल, θ/2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, cos θ। तो 1 + cos θ की वैल्यू कितनी आई, 2 cos²θ/2, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो इसको पुट कर दो तो आपका रिजल्टेंट का क्या वैल्यू आया बच्चों, 2a² तो पहले से ही था मल्टीप्लाइड बाई 1 + cos²θ को आप कितना लिख सकते हो, 2 cos²θ, 2 cos² और ये r² चल रहा था, 2 cos²θ/2 है ना बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं। तो आप देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आपका r = √ और ये 2 × 2 = 4a² cos²θ/2 ये आएगा। अब देखो ये सारी चीजें रूट के बाहर आ जाएंगी तो रिजल्टेंट कितना बचेगा, 2a cos θ/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा याद रखना है इसको, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों है ना। तो आपका दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं और किसी एंगल थीटा पर जुड़ना है, तो जो रिजल्टेंट होता है दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का, वो डायरेक्ट आप रिजल्टेंट लिख सकते हो, 2a cos θ/2। आपको कुछ भी बड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लगाने जाओगे ना तो इसमें फंस जाओगे, तो फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं भाई, ये हमने पहले ही सॉल्व करके रख लिया इसलिए। तो ये रिजल्ट याद रखो बच्चों, आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा है ना। तो याद रखेंगे जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट रिजल्टेंट का वैल्यू होता है 2a cos θ/2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और यहीं से आप टेन अल्फा भी निकाल सकते हो, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या है बच्चों, देखो टेन अल्फा होता है b sin θ, तो b की जगह a ही आ जाएगा, तो a sin θ डिवाइडेड बाई आपका a प्लस, ये b की जगह a हो जाएगा तो a कॉमन ले लो, तो ये 1 + cos θ हो जाएगा ना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब देखो 1 + cos θ की वैल्यू तो आपको पता है 2 cos²θ/2, और अगर आप ध्यान दें तो sin θ को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 2 sin θ/2 cos θ/2। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, वहां पे आप याद करो तो आपने 2θ लिखा था, तो sin²θ = 2 sin θ/2 और cos θ, मतलब 2 sin θ cos θ होता था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो यहाँ पे हाफ एंगल θ/θ/2 लूंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब 2θ होता था तो यहाँ पे थीटा होता था, तो sin²θ होता था 2 sin θ cos θ, लेकिन अब यहाँ पे थीटा ले रहा हूं तो यहाँ पे हाफ एंगल आएगा, तो थीटा का हाफ क्या होगा बच्चों, θ/2, तो 2 sin θ/2 cos θ/2। तो ये sin θ की जगह और 1 + cos θ की जगह ये वाला वैल्यू, ये जो यहाँ ब्रैकेट में, ये हम यूज कर लेते हैं। तो देखो tan अल्फा कितना जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू a 2 sin θ/2 + cos θ/2 मैंने मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई a इंटू 1 + cos θ, तो ये हो जाएगा 2 cos²θ/2। तो देखो यहाँ से 2a कैंसिल, cos² और cos θ/2 कैंसिल, तो ये sin θ/2 cos θ/2, तो ये आ जाएगा tan θ/2,
तो यहाँ दोनों साइड से टेन टेन कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी थीटा बाई टू। यानी कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को आप ऐड करते हो, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को आप ऐड करते हो, तो जो आपका रिजल्टेंट होता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे होता है। याद रखेंगे, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एंगल हमेशा, जो आपका रिजल्टेंट होता है उसका एंगल हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब थीटा बाई टू होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको भूलिएगा नहीं। जैसे दो एंगल्स को मैं बोलूं कि भाई आप 30 डिग्री पे जोड़ रहे हैं, तो 30 डिग्री में रिजल्टेंट कहाँ आएगा अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, तो 15 डिग्री पे आएगा, उसका हाफ। हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल एंगल्स में, अगर मैग्नीट्यूड सेम है। याद रखेंगे, अगर सिर्फ क्या सेम है बच्चों, मैग्नीट्यूड। अगर किन्हीं दो सेम मैग्नीट्यूड को 90 में जोड़ेंगे तो 45 पे रिजल्टेंट आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना बच्चों, ये आप लोगों को क्लैरिटी होगी इस बारे में। तो बच्चों आज हम लोग ने बहुत सारे केसेस कर लिए और पैरेललोग्राम लॉ अच्छे से पढ़ा है। अब इसके कुछ सब केसेस हैं वो हम करेंगे। तो देखे बच्चे, बच्चों आगे करते हैं। ये चार केसेस हम पढ़ चुके थे, उसके बाद हमें ये जो चौथा केस है, जब आपका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का बराबर होता है, उसका उनके कुछ सब केसेस हैं जिनके रिजल्ट अगर अपन को याद हो तो बहुत ही अच्छा है, न्यूमेरिकल बहुत फास्टली हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ सब केसेस, तो आप भी हेडिंग डालेंगे सब केसेस ऑफ केस फोर्थ। तो केस नंबर फोर्थ का सब केसेस है, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट सब केस है, केस ए, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है सब केस ऑफ फोर है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। बट जो एंगल है वो हम जीरो डिग्री ले रहे हैं। अगर आपका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाए और एंगल जीरो डिग्री लिया जाए तो कितना आंसर आता है, तो आप अगर इसमें रखेंगे 2a cos 0 by 2, तो ये जीरो हो जाएगा, थीटा तो जीरो है दोनों के बीच का एंगल, तो cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होता है। तो रिजल्टेंट क्या है आपका 2a, रिजल्टेंट 2a। और अगर आप अल्फा में देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी जीरो आएगी, है ना। तो याद रखेंगे कि अगर आपका दो मैग्नीट्यूड सेम है और वो सेम डायरेक्शन में है, एंगल जीरो है, तो रिजल्टेंट 2a हो जाता है। और वैसे भी आप प्रीवियस रिजल्ट से भी, केस नंबर 1 से भी इसको मैच कर सकते हो। आपका जब एंगल जीरो होता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है रिजल्टेंट की, तो a प्लस बी मिलती थी ना, अब दोनों सेम है तो a प्लस बी मतलब a प्लस ए हो जाएगा, तो 2a के बराबर है। तो वहां से ही वेरीफाई हो रहा है और आपका ये फोर्थ वाले केस से ही वेरीफाई हो रहा है ना। तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका केस बी, जो सब केस है बी, उसमें आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होना है क्योंकि ये सब केस है फोर्थ का। अब जो थीटा है वो 180 है, तो थीटा 180 पे क्या होगा, अगर ए इक्वल्स टू बी है और थीटा 180 है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका आर होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो 180 बाई 2 तो 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो आर जो है वो आपका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जीरो हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा वेक्टर हो गया बच्चों, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तो हमने नल वेक्टर या जीरो वेक्टर डिफाइन किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो ये जीरो हो गया, यानी कि दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के, दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्टेंट कितना मिल जाता है बच्चों, जीरो। आप चाहें तो ये रिजल्ट आप सेकंड वाले केस से भी देख सकते हैं, वहां पे जब 180 डिग्री होता था तो मिनिमम मिलता था, तो a माइनस बी होता था, लेकिन क्योंकि a भी बराबर है तो a माइनस a कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस बात को हम लिख लेंगे 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसल आउट ईच अदर, तो कई बार अपन को यूज में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसल आउट ईच अदर, है ना बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर सी पर, सब केस सी पर, है ना। अब क्या हो, मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट आपका जो थीटा है बच्चों, एक हमने जीरो कर लिया, एक 180 कर लिया, अब उनके बीच के एंगल कर लेते हैं, तो मान लीजिए थीटा आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना, मतलब दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट आपका जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 60 डिग्री का है।
दोनों के बीच का एंगल। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इस केस में, तो याद रखेंगे आप, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएं तो 2a cos 60 डिग्री बाई टू, थीटा बाई टू है ना, तो ये कॉस 30 हो जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू बच्चों आप लोग जानते हो, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहां से 2 और ये 2 कैंसल, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, √3a। तो याद रखेंगे, अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा याद रखना, दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनके बीच उनका जो रिजल्टेंट होता है 60 डिग्री के एंगल पर, दो सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का, वो √3a होता है, √3a। और अगर अल्फा की बात करो तो वो थीटा बाई टू है, मतलब 30 डिग्री पे होगा। यानी कि अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों √3a होगा डायरेक्टली, और जो अल्फा होगा वो थीटा बाई टू 30 डिग्री होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। हमने अभी सब केस सी तक कर लिया है, अब सब केस डी करते हैं। तो केस नंबर आपका डी, अब इसमें क्या है, सब केस है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इसमें तो कोई शक है नहीं। एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे। तो क्या होगा बच्चों देखो, तो रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं 2a cos θ/2, थीटा बाई टू मतलब 90/2, तो cos 45। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2। तो √2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे √2 बचेगा, तो रिजल्टेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम √2a। तो याद रखेंगे, जब दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं और 90 डिग्री पर अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √2a होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे यूज आएगा ये। और अल्फा एंगल बाइसेक्टर मतलब 45 डिग्री पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, तो हम इसको यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, दोनों को 90 डिग्री पे है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये रिजल्टेंट होगा बच्चों √2a, और ये जो एंगल होगा ये 90 था, तो जो अल्फा होगा वो आपका 45 डिग्री होगा एंगल बाइसेक्टर। तो आई थिंक केस डी भी आपको क्लियर है, तो इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हमने डी केस तक पढ़ लिया सब केस, अब ये सब केस नंबर ई पढ़ेंगे ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सब केस ई। अब इसमें क्या करेंगे कि आपका वो मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों का, बट अब जो एंगल है दोनों के बीच का, मान लीजिए 120 डिग्री, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड हैविंग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 120 डिग्री, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो हम जानते हैं सेम मैग्नीट्यूड वाले का, 2a cos θ/2 है ना, ये हमने देखा हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2a cos θ/2, तो cos थीटा बाई टू कितना हो जाएगा बच्चों 120/2, तो cos 60। और cos 60 की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हो कितना होता है, 1/2 है ना, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा बच्चों, ये 1/2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल्स टू a। देखो ये कितना बेहतरीन रिजल्ट है, इसका कहने का क्या मतलब है आप समझे इस बात को। और आपका जो अल्फा होगा वो तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा थीटा बाई टू पर, तो वो तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर आपने सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को ए और ए, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को अगर आपने 120 डिग्री पे जोड़ा, 120 डिग्री पे जोड़ा, तो इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों वो भी ए ही आएगा। यानी दो चीजों को, सेम चीजों को जोड़ो और रिजल्टेंट भी वही मिल गया, रिजल्टेंट भी ए आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप दो वेक्टर्स को जोड़ते हो विद सेम मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट भी सेम आता है, अगर उनको कितने एंगल पे जोड़ा गया है 120 डिग्री, और जो एंगल बाइसेक्टर पे है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों 60 डिग्री। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा यूजफुल है। तो आप कभी भी 120 डिग्री पर दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को जोड़ेंगे ना तो मैग्नीट्यूड वही होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर देख के आंसर मिल जाता है। जैसे कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कई बार मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप सॉल्व करेंगे कि भाई इफ टू फोर्सेस, इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एक्ट्स
एक्ट्स एट 120 डिग्री एंगल, एक्ट्स एट 120 डिग्री एंगल, देन द रिजल्ट, देन द रिजल्टेंट, देन द रिजल्टेंट इज, और आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए ऑप्शन 12 न्यूटन, बी ऑप्शन 5 न्यूटन, सी ऑप्शन आपका कुछ भी दे दिया 7 न्यूटन, एंड डी ऑप्शन 6 न्यूटन। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि हमें तो पता है कि दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के जो कि 6 न्यूटन के हैं, अगर वो 120 डिग्री के एंगल पे ऐड होंगे तो आंसर भी 6 न्यूटन ही आएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक लगाओ, ये बहुत समय बचाएगा आपका। नहीं तो आप इसको सॉल्व करने लगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को तो तुरंत सॉल्व करना चाहिए, तुरंत टिक लगाना चाहिए देखते ही साथ। तो ये आपका टाइम सेव करता है, इसलिए जो सब केसेस हैं ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम सेव करेंगे, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसलिए आपको ये सब केसेस क्या करना चाहिए बच्चों, याद रखना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो लास्ट वाला केस है कितना इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी दो वेक्टर्स का आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स का सम, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को कि दो वेक्टर्स का सम, दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का सम का रिजल्टेंट वही आए, उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आए, तो ऐसा कितने एंगल पे होता है? तो ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना है 120 डिग्री, या फिर 120 डिग्री को आप 2π/3 भी लिख सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये सब केसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और ये क्लियर होंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ में ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए थी, तो वो मैंने आपको बता दी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ बता दिया है ना, फिर भी एक बार मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ की समरी बता देता हूँ। समरी कि इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं, जो हमारे ज्यादा काम की है, वो क्या है तो सभी काम का, लेकिन उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले बात तो आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि भाई मेन जो फॉर्मूला है जिनसे ये सारी चीजें डिराइव हुई हैं, सारे केसेस बने हैं, उसका जो मेन फॉर्मूला है रिजल्टेंट का वो क्या है, तो वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट, आपको रिजल्टेंट हमेशा याद होना चाहिए कि कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपको अल्फा का टेन अल्फा हमेशा याद रहना चाहिए। तो टेन अल्फा हमने क्या सीखा है, b sin थीटा / a + b cos थीटा, और याद रखेंगे ए वाला वेक्टर उसको मानना है जिससे आप अल्फा नाप रहे हो, है ना। मैंने आपको बताया था ए वाला, वो ए वेक्टर उसको मानना होता है दो वेक्टर्स में जिससे आप अल्फा मीजर कर रहे हो, और दूसरे वाले को बी वेक्टर मानना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट दो वेक्टर को किस एंगल पे जोड़ने पे मिलता है, 0 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना होगा बच्चों, a + b, और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट आपका कितना हो सकता है बच्चों, जब इनको अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा जाएगा, 180, तो a - b। तो हमेशा याद रखेंगे थर्ड पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रेंज होती है रिजल्टेंट की, जब आप ए और बी दो वेक्टर्स को जोड़ते हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है a - b और मैक्सिमम वैल्यू होती है a + b। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे कि कभी भी दो वेक्टर्स को जोड़ा जाए, किसी भी दो वेक्टर्स को जोड़ा जाए, तो उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो इनके बीच में लाई करता है, a - b से लेकर a + b तक, यानी इससे ज्यादा कभी रिजल्टेंट नहीं हो सकता a + b से, और a - b से कभी कम रिजल्टेंट आपको मिल नहीं सकता है। और अलग अलग एंगल पे जोड़ने पर दो सेम वेक्टर्स को आपको अलग अलग रिजल्टेंट मिलता है, तो कभी इन दोनों के बराबर भी मिलता है, कभी जैसे कि मान लीजिए आप 3 और 4 वेक्टर को जोड़ दो तो उसका मिनिमम जो होगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि 4 - 3, और मैक्सिमम आपको 4 + 3 7 मिलेगा। तो अलग अलग एंगल पे 1 से लेके 7 तक आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद फोर्थ जो आपको याद रखना है, अब देखिए बच्चों इसमें आपको और क्या याद रखने वाली बात है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि
इसकी रेंज ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी तक होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमेशा याद रखें कि 2a cos θ/2 होती है ना। बाकी केसेस भी याद रखें, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बाकी केसेस को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फॉर्मूले लगते हैं, तो वहां पर दिक्कत होती है, इसलिए इसको याद रखना बड़ा जरूरी है। और अल्फा आपको पता ही है, इसमें अल्फा की वैल्यू θ/2 होती है, वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है ना। और फिर फिफ्थ केस आप याद रखेंगे कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं और आपका जो एंगल होता है बच्चों वो 30 डिग्री है अगर, तो उसके कारण जो रिजल्टेंट होता है वो √3a होता है, सॉरी 60 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री पे हमने प्रूफ किया था, तो रिजल्टेंट √3a होता है। फिर सेकंड आप याद रखेंगे कि थीटा अगर 90 डिग्री है तो आपका जो रिजल्टेंट है बच्चों, इसके कारण अगर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो वो √2a होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और लास्ट चीज जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए है ना, जो मैंने अभी प्रूफ किया कि अगर थीटा 120 डिग्री होता है और दो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, उनको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट a के बराबर ही होता है, मतलब उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है ना। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बाकी आपको याद रह जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं समरी में, ये तो याद होने ही चाहिए, तभी आपका काम बनेगा वेक्टर्स में, है ना। तो इससे सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाया करेंगे आप। तो चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं, हमने पैरेललोग्राम लॉ तो पढ़ ही लिया है,